नमस्कार, आप देख रहे हैं पगरपुर की आवाज चैनल। चलते हैं खबरों की तरफ। पखरपुर की आवाज न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं श्रावस्ती जनपद के कुछ खास खबरों से। विश्व मानव अधिकार दिवस पर श्रावस्ती जवान एसोसिएशन द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा कानून के बारे में किया गया जागरूक। सामाजिक संस्था श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हसन खान सूफी ने जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना के प्राचार्य भुद्देश्वर पांडे के गर्मामय उपस्थिति में यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ ही विद्यालय के बच्चों तथा जाम जनमानस का पंपलेट वितरण किया। श्रावस्ती जवान एसोसिएशन द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हसन खान सूफी ने कहा कि जवान अनमोल है, इसे सुरक्षित रखना स्वयं, परिवार, प्रदेश और देश के लिए बेहद जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से ही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जाना संभव है। हेलमेट लगाकर बाइक चलाने, यातायात नियम का पालन करना आदत बना ले, जिससे कि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। प्रदेश अध्यक्ष हजरत हुसैन खान ने कहा कि लोगों को सुरक्षित भविष्य के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना चाहिए, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सामाजिक संस्था श्रावस्ती जवान एसोसिएशन द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस पर यातायात जागरूक अभियान चलाकर आम जनता को यातायात के नियमों का पालन करने से संबंधित पंपलेट देकर जागरूक किया गया। श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत मौर्या ने कहा कि नियमों का पालन सभी चालक करें, जैसे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित मानक से अधिक संख्या सवारी न बिठाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, आवश्यक को वाहन न चलाने देने के सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करें आदि संबंधित में निवेदन किया तथा यातायात नियमों का पालन करने वालों को बधाई दी। इस दौरान श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के अध्यक्ष हसन खान सूफी, प्रदेश अध्यक्ष हजरत हुसैन, प्रबंधक इंद्रजीत यादव, जिला अध्यक्ष इंद्रदेव मौर्य, कोषा अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता, छात्र सभा अध्यक्ष राजू खान, जितेंद्र कुमार मौर्य, शुभम मिश्रा, खेमराज वर्मा, मोहित मौर्य, ईश्वरनाथ पाल, करीम अली, सहीम अली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रावस्ती से ब्यूरो चीफ भुजो अहमद की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? ये हमारा है, सड़क पे दुर्घटनाएं जो अधिक हो रही हैं, तो दुर्घटनाएं कम से कम हो, मेरा प्रयास है कि देश का ज़्यादा नुकसान ना हो, समाज के जो लोग हैं अपने घर से सकुशल चलें, अपने घर से सकुशल पहुँचें। हसन जी, अभी हमने देखा आप इस वक्त हाईवे पर खड़े हैं, हम भी हाईवे पर खड़े हैं, मैंने देखा 90% लोग जो सड़क से गुजर रहे हैं हेलमेट नहीं लगाए हुए, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी वाहन चालक हैं ये हेलमेट लगावें, दोपहिया वाहन वाले और चार पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें, इसी में उनकी सुरक्षा है। सब्सक्राइब करें फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।